आगे बढ़ेंगे बहावलनगर की जानिब। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में 3 रोज़ा स्पोर्ट्स काला का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद की जानिब से स्पोर्ट काला का इफ्तिताह किया गया। तलबा तालिबात मुख्तलिफ खेलों के मुकाबला जात में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त ब्यूरो चीफ अहमद हसन प्रोफेसर शफीक अहमद के साथ मौजूद हैं, तफसीलात उन्हीं से जानेंगे। जी अहमद हसन, अपडेट कीजिएगा। स्पोर्ट गाला का इनेकाद किया गया, आज पहला रोज़ था और आज इफ्तिताह जो है वो डिप्टी कमिश्नर बहावन नगर ने किया और तलबा तालबात की जानब से यहाँ पर खेलों का भी खसूसी एहतमाम किया गया था। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावन नगर के DPS स्कूल में। ये तकरीब के मेहमान खसूसी जो है वो डिप्टी कमिश्नर बहावन नगर थे। मेरे साथ इस वक्त जो है प्रोफेसर शफीक अहमद साहब मौजूद हैं, मज़ीद हम इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, 3 रोज़ा स्पोर्ट गाला का इनेकाद किया गया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। DPS बहावल नगर में 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का आज आगाज़ हुआ है और हमारी ये भरपूर कोशिश है कि हमारे तलबा व तालबात को हम बेहतरीन तालीम देने के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों में और खेलों के मैदान में भी उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनकी शख्सियत की तामीर की कोशिश करते हैं और उनकी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को उजागर करने की कोशिश करते हैं। और ये स्पोर्ट्स गाला भी उसी की एक कड़ी है। ये स्पोर्ट्स गाला 3 दिन जारी रहेगा। इस वक्त बॉयज़ के जो मुकाबला जात हैं वो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज के ग्राउंड्स में हो रहे हैं और जो गर्ल्स के हमारे बच्चों के जो मुकाबला जात हैं वो DPS के कैंपस के अंदर हो रहे हैं। ये मुकाबला, ये गाला 3 रोज़ जारी रहेगा और कोशिश हमारी ये है कि हम अपने तलबा को नंबर 1 की पोजीशन पर ले आए। बिल्कुल, ये थे प्रोफेसर शफीक अहमद साहब जो बता रहे थे कि 3 रोज़ा स्पोर्ट गाला का ये DPS स्कूल में इनकाद किया गया, ये आज पहला रोज़ है और भरपूर तरीके से तलबा तालबात के सरगर्मियों को उजागर किया जाएगा और उसके साथ साथ मुख्तलफ खेलों का भी यहाँ स्पोर्ट गाला में इनकाद किया गया है और ये 3 रोज़ा तक जो है वो स्पोर्ट गाला का सिलसिला जारी रहेगा।